देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। नहीं नहीं कहीं बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हो रही हूँ मैं। कहाँ ही जा सकते हैं बाहर हम आजकल, है ना? और जाना भी मत अगर मौका मिले तब भी। ये तो मैं बस इसलिए तैयार हो रही थी क्योंकि अभी मेरे बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल जो आने वाला है। दैट्स द मैक्सिमम लेवल ऑफ एक्साइटमेंट जो हमारी लाइफ में आजकल है, वीडियो कॉल। अभी नया नया डेट करना शुरू करा है ना हमने, और इसलिए थोड़ा सा सज लो, सवर लो। कैसे दिखे वीडियो कॉल पे, आपको तो पता ही है कैसे दिखते हैं वीडियो कॉल पे। वहाँ पर वो भी अपने बाल सेट कर रहा होगा, कपड़े चेंज कर रहा होगा। अब नए नए प्यार में एक दूसरे को इतनी जल्दी औकात नहीं दिखा सकते ना अपनी कि हम सो के उठने के बाद कैसे दिखते हैं। लॉकडाउन से पहले ब्रेकअप हो जाएगा और इतना मेंटल स्ट्रेस ना मैं हैंडल कर सकती हूँ उस टाइम पे ना वो। आई नो लॉकडाउन इज इम्पॉर्टेंट, बट यार हमें क्या पता था कि इस छोटे से वायरस की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि हम एक दूसरे की शक्ल दिन दिन तक नहीं देख पाएंगे यार। हद हो गई, मतलब कहाँ सोचा था टाइम स्पेंड करेंगे साथ में, पूरे दिन साथ रहा करेंगे। नहीं नहीं, साथ हम अब भी हैं लेकिन सिर्फ वीडियो कॉल के थ्रू। यहाँ से मैं पपिया फेंकती हूँ, वहाँ से वो हक लपेटता है। दैट्स द मैक्सिमम दैट वी आर डूइंग। इट्स हार्ड नहीं यार, इट्स हार्ड नहीं। याद तो आती है ना, मिस तो करते हो ना, क्या कर सकते हो। लेकिन Hi baby, how are you? Baby, I miss you so much. You know it, right? And I love you. I'm not able to think that how are we gonna survive this. ये क्या कर रही है फोन में घुसकर? हाँ मम्मा, किससे बात कर रही है? मम्मा वो खांसी हो रही थी। हाँ, चेंजिंग वेदर आपको पता ही है आजकल। फोन में घुस के मैं चेक कर रही थी, ऐसे वायरस नहीं आते, सैनिटाइज कर लो जरा। हाँ मम्मा दरवाजा बंद कर दे रहा हूँ, अभी बॉस का वीडियो कॉल आने वाला है। हाँ मीटिंग। हाँ मम्मा। देखा यहाँ वैसे ही से आप ही कम नहीं है, ऊपर से घर वाले कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं आजकल यार। आई मीन इट्स टू मच टू हैंडल, इट्स टू मच। कहाँ सोचा था हमने लॉन्ग ड्राइव्स पे जाएंगे, मूवी डेट्स पे जाएंगे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और हम लॉन्ग ड्राइव्स के नाम पर सिर्फ कमरे से लेकर बालकनी तक जाती हूँ, और डिनर डेट्स के नाम पर सिर्फ खिचड़ी खाती हूँ, और मूवी डेट्स के नाम पर सिर्फ नेटफ्लिक्स, जिसका कंटेंट हम 10,000 बार देख के खत्म कर चुके हैं। या वी आउट ऑफ कंटेंट नाउ। अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना लाइफ में वीडियो कॉल करने के अलावा। और यार एक दूसरे को कितना बोल दोगे आप, आई लव यू, आई मिस यू, आई लव यू, आई मिस यू, कॉपी पेस्ट। इट्स सच अ वेस्ट यार, बोर हो गए यार बहुत ज़्यादा यार। कुछ बात ही नहीं करने को। इतनी जो पहली हमारी मीटिंग थी उसी के बारे में बात करते रहते हैं। बेबी यू रिमेंबर दैट टाइम। सारे टाइम याद हो गए, एक एक सेकंड को लेकर सब पता है। 3:30 पे हमने क्या किया था, 4:32 पे हमने क्या किया था, लाइक वी नो एवरीथिंग नाउ। एक सेकंड, कौन है वो कहता है जो कि दूरियों से प्यार पड़ता है? कौन है वो? नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कौन है वो जो भाई साहब बहन जी हो से एवर यू आर। आपको एक बात बता दूँ, दूरियों से ना प्यार नहीं, सिर्फ लड़ाइयाँ बढ़ती हैं। यस, साथ होते थे ना पहले, एक आध पप्पी छप्पी पालो, एक आध हक कर लो, सब ठीक हो जाता था, सब कुछ अच्छा हो जाता था। अब यहाँ पर लड़ाई होती है डिस्टेंस की वजह से। एक तो वैसे ही आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना ज़्यादा है, ऊपर से घर वाले तो हैं ही, ऊपर से अगर आपकी लड़ाई हो जाए, इतनी सी बात इतनी बड़ी बन जाती है, फिर बस फोन ऑफ कर दो, टेक्स्ट का रिप्लाई मत करो, इग्नोर करो, हो गया कलेश, हो गया मूड ऑफ, यही बचा है बस, लड़ते रहो दूर रहो। कहाँ पहले हम साथ में होते थे, शाम को मिलते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के इतनी अच्छी अच्छी बातें करते थे, आई लव यू, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के इतनी इमोशनल और सेंटी बातें करते थे, क्या फील आती थी यार। और अब नेटवर्क इश्यूज की वजह से मुझे उसका आई लव यू सुनाई देता है, ऐसा लगता है बॉयफ्रेंड से जादू से बात कर रही हो यार। आई मीन इट्स टू मच, ओके, बहुत ज़्यादा हो रहा है। कब तक आप वीडियो कॉल पे वो छोटी सी पासपोर्ट साइज जैसी फोटोग्राफ देख के काम चलाते रहोगे यार? मुझे ही मन करता है उसको अच्छे से देखने का, उससे मिलने का, उसको भी मन करता होगा ये सब करने का, पर क्या कर सकते हैं। बंद रहो ना घर पे अपने, कुछ मत करो, घर वालों से बातें करो, लड़ाइयाँ करते रहो उनसे भी बैठकर। और पहले तो ना अगर आप एक बार फ़ोन ना उठाओ तो यू कैन हैव गिवन अ रीज़न दैट यू नो मैं मीटिंग में थी, मैं शूट पे थी, मैं यहाँ थी, मैं वहाँ थी। अब एक फोन ना उठाओ ना, वहाँ से 4 मैसेज आ जाते हैं, घर पे हो तब भी तुम्हारे पास मेरे टाइम नहीं है, तब भी तुम ये कर रही हो, तब भी मुझे इग्नोर कर रही हो, क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो तुम, क्यों बात नहीं कर रही हो,
पता है क्या कर रही हूँ मैं, पता है क्या कर रही हूँ मैं, झाड़ू लगा रही हूँ घर में बैठकर, बर्तन धो रही हूँ और अभी डिटॉल फिनाइल वाला पोछा भी लगाना है मुझे, ये कर रही हूँ मैं घर में बैठकर। समझ आया? एनीवे अब रोने के अलावा क्या ही कर सकते हो यार, है ना? लाइक वी कैन हेल्प इट राइट, वी कैन जस्ट प्रे कि चीजें थोड़ी ठीक हो जाए, हम घर से बाहर निकल पाए, दूसरे की शक्ल देख पाए, दैट्स इट। अब क्या कर सकते हैं यार, करना पड़ेगा इंतजार, बिकॉज लॉकडाउन इज द नीड ऑफ द आवर, राइट? ठीक है, करती हूँ थोड़ा टचअप करती हूँ, थोड़ा सा और डायलॉग्स प्रिपेयर करती हूँ कि अब मैं क्या बोल सकती हूँ, कुछ कंटेंट क्रिएट करती हूँ, कुछ चीज़ें देखती हूँ, कुछ बातें करने के लिए टॉपिक ढूंढती हूँ, और तो कुछ है नहीं करने को क्योंकि। और सुनो, अगर आपका भी कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, कोई लव्ड वन है जिसको आप लॉकडाउन की वजह से मिल नहीं पा रहे हो और जिसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, तो उन्हें प्लीज़ टैग करो इस वीडियो में, उन्हें बताओ कि आप उन्हें कितना मिस कर रहे हो और क्या करोगे आप उनके साथ जब आप उनसे मिलोगे इतने टाइम बाद। क्या प्रॉब्लम है आपको, इतना नहीं कर सकते? इतनी दुखी है लड़की, कुछ तो खुशी दे दो मुझे यार, करो। कॉल आ गया, मिलती हूँ। कुछ नहीं, बस ऐसी बैठी हुई थी, थिंकिंग अबाउट यू। जाओ।